हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इससे पहले जिस भी चैप्टर्स के क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट होगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के नाम से, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे शो कर रहा होगा आपको प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ पे टैप करेंगे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आपने अगर वो सब वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। जिसमें कि पहले जो थे, पहले कौन थे? पहले ऋषभ देव थे, और अंतिम, सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया? बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हमारा कुशीनारा या कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, ये है कहाँ? ये बिहार के भागलपुर ज़िले में है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तीसरा जो ये बौद्ध संगति हुआ था, ये कब हुआ था? 250 या 51 ईसा पूर्व लगभग में हुआ था ये, और इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था? इसको संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने, और ये दूसरा, ये सॉरी, अशोक ने किया था तीसरा, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के संरक्षण में प्रदान किया गया था। और ये हुआ कब था, ये कब हुआ था तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन? 250 से 51 ईसा पूर्व, और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ पीटकों की जो रचना की गई है ये किस भाषा में की गई है? ये किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है, ठीक है, पाली भाषा में की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन जब हुआ था तो उस टाइम किस शासक का शासनकाल था? तो ये अशोक का शासनकाल था, ठीक है, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? सांची किस लिए विख्यात है? सांची का स्तूप आपने नाम सुना होगा, ये किस लिए विख्यात है? ये चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर की वजह से विख्यात है, या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, गुहा चित्रकारी यहाँ पाया जाता है, या फिर अशोक के शिलालेख की वजह से विख्यात है? तो जो सांची का स्तूप है ये इसलिए विख्यात है क्योंकि ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, और ये है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है ये सांची का स्तूप। ओके, नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो हुआ था ये किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, और उनके पिता थे सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी, ठीक है, माता त्रिशला थी और पिता सिद्धार्थ थे, और ये महावीर जो थे ये जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र के थे, ठीक है, जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र। ओके, नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? मैंने भी बताया त्रिशला थी महावीर की माता। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था ये बताना है। तो अंतिम व्यक्ति कौन था गौतम बुद्ध के द्वारा जो धर्म में दीक्षित किया गया था? वो सुभद्र था, ठीक है, सुभद्र था जो गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? गंधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली, इनमें से सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है?
तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ओके नेक्स्ट, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? पाली भाषा का, उनके ग्रंथ भी पाली भाषा में थे। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो हमने बौद्ध का तो पढ़ा कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनारा में। तो महावीर ने कहाँ किया था? महावीर की मृत्यु किस जगह पे हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? नालंदा, नालंदा बिहार में है पावापुरी। पावापुरी में इन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी, तब ये 72 साल के थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बोधिस्त्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि कहाँ है? बोधिस्त्व पदम पानी का चित्र जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, ये कहाँ पे है? ये है अजंता में। ठीक है, अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, वहीं पे है ये। और इसके बारे में देखिए, 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको घोषित किया गया था, अजंता की गुफा को, तो ये भी याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप जो है ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। बौद्ध धर्म जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे उसको मठ बोलते हैं, या विहार, मठ या विहार जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे। तो ये मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? ये दिए गए थे बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था, किस जगह पे दिया गया था? ये सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? वो गौतम बुद्ध की मौसी थी। नेक्स्ट है, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये बोध गया है कहाँ? ये बोध गया है हमारा बिहार में है। ओके नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या शैव का? तो जातक ग्रंथ जो है ये बौद्धों का ग्रंथ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैंने बताया ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी बौद्ध गया में, गया में। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध ने जो पहला अपना प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो जब ये प्रवचन उन्होंने दिया था तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ओके नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म ने जो है किन वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, या महिला और शूद्र? तो बौद्ध धर्म ने जिस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला वो महिला और शूद्र वर्ग थे, महिला और शूद्र वर्ग। ओके नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जो उन्होंने घर त्याग किया था उसको किस प्रतीक से दिखाया जाता है? तो ये घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी, ये कहाँ पे की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये वैशाली में की गई थी। ओके क्वेश्चंस को जैसे मैं समझा रही हूँ तो आप लोग भी समझिए अच्छे से, मतलब वीडियो को केयरफुली देखिए, समझिए, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो देखेंगे तो वो प्रैक्टिस के लिए देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस आप खुद से बनाएं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप वीडियो में भी पढ़ रहे हैं उनको कोशिश करिए खुद से बनाने का और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ होंगे, एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होगा कुछ भी। ओके तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं तो वीडियो ला ही रही हूँ, तो आप लोग का काम है आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है?
सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? तो वो नागार्जुन है। नागार्जुन वो बौद्ध दार्शनिक है जिन्होंने सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिलवरा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवरा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये चालुक्य सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। और किसने करवाया था? विमल शाह ने, विमल शाह नाम था उनका, उन्होंने दिलवरा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था जो चालुक्य सोलंकी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? क्रम, निष्ठा, अहिंसा या विराग? तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। ये कैसी अहिंसा? ये मन, वचन और कर्म से न की जाने वाली अहिंसा है। मतलब मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी न की जाने वाली अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। यानी कि इसका सार ये निकलता है कि जियो और जीने दो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? ये महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे 24वें। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते थे? तो ये कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य। ओके, कैवल्य कहा जाता है पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में। हाँ, तो ये बताइए कि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, ज़रा कमेंट में बताना। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली में है, वैशाली बिहार। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। हाँ, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और वैशाली भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, वैशाली या कुंडग्राम, है ना? तो कुंडग्राम जो है ये वैशाली में ही है, लेकिन तो मेन जो क्या बोलते हैं, वैशाली तो डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। तो और हमेशा कुंडग्राम ही लिखा रहता है। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुंडग्राम कहाँ पे है, तो कुंडग्राम वैशाली में हमारा, बट आंसर हम लोग कुंडग्राम ही देंगे। ठीक है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ। ओके, नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चौथा जो बौद्ध संगति आयोजन किया गया था ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय जो ये बौद्ध संगति हुई थी ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, अशोक के शासनकाल में। ओके, नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, यहाँ क्वेश्चंस के नीचे ये भी है कि किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि बेकार के क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हो, सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं तो इम्पॉर्टेंट है ना। हाँ, तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी चीज़ समान नहीं थी? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा को मानता था, और वेदों की उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, वेदों के प्रति उदासीनता और अहिंसा, ये तीनों ही जो है बौद्ध धर्म में समान था। आत्मदमन जो था, ये आत्मदमन करने का जो तरीका है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था। ठीक है, जैन धर्म में कहा गया था कि मोक्ष जो है वो शरीर त्याग करने के बाद ही मिलेगा, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा निर्वाण के लिए शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, जैन धर्म में जब तक शरीर आप त्याग नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब शरीर त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आत्मदमन जो है ये समान नहीं था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ये हुई कब थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और ये किस जगह पे हुई थी? ये राजगृह में हुई थी, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित चार स्थलों का नीचे उल्लेख है और उनको मिलाना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये बताना है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। ओके, ज्ञान प्राप्ति उनको बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, ये सारा क्वेश्चन हमने पढ़ा है। और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। एका थ्री, यहाँ देखिए एका थ्री ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पहले ही मिल गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मखली घोषाल। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली घोषाल थे। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो हिंद यूनानियों का था। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो पहला शिष्य था वो था उनका खुद का दामाद था जमाली, वो उनका पहला शिष्य बना था। ओके, नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस जिस धर्म की महिमा है वो क्या है? तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है? ये जैन धर्म की महिमा है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियर करके क्वेश्चन दिया है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जो है ये किससे संबंधित है। अगर यहाँ होता त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म का कौन सा था त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, लेकिन जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। तो ये जैन धर्म का है, ठीक है। बौद्ध धर्म का क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि त्रिरत्न तो बौद्ध धर्म में पढ़ा था, यहाँ बहुत क्लियर लिख दिया है, लिख भी दिया है साथ में कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, तो ये जैन धर्म का है। ओके, नेक्स्ट है, कथन दिया है और उसको बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए, कुशीनगर, पहला कथन जो है वो है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा कथन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये सही है। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, ये कथन सही है या गलत? तो कुशीनगर जो है ये मल गणराज्य की राजधानी थी, ये कथन भी सही है। लेकिन ऑप्शन क्या है कि ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि दोनों ही कथन सही है। अब इस दोनों में से क्या होगा? तो देखिए, ए और आर तो दोनों कथन सही है, लेकिन क्या कथन आर जो है कथन दूसरा ए की व्याख्या कर रहा है? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इसका संबंध है क्या कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी है? व्याख्या नहीं कर रहा ना, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही कथन सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे बताना है। चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसको बताना है। तो विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार निवास स्थान है, ये तो हमें पता है कि बिहार का, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा था। तो बिहार में जो बहुत सारे बौद्ध विहार थे, यानी कि बौद्ध लोग जहाँ पे रहते थे उसको विहार कहा जाता था, विहार, तो इसलिए इसका नाम विहार, बहुत सारा विहार था इसलिए इसका नाम आगे जाके बिहार होने लगा ना। जब मुस्लिम लोग आके रहने लगे तो वो लोग बिहार बिहार करके बोलने लगे तो बिहार नाम पड़ गया। तो विहार क्यों था? क्योंकि विहार इसलिए था क्योंकि वहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे। तो विहार क्या है? निवास स्थान है ना, जहाँ पे लोग रहते, मतलब बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, या जो भी निवास स्थान है विहार, ठीक है। यहाँ है कि विहार पूजा स्थल है, ये तो कथन गलत है, विहार निवास स्थल है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है,
विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है और विहार जो है वो निवास स्थान है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चैत्य पूजा स्थल है और विहार जो है वो निवास स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? तो वो कौन सा स्थल है जो कि पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये इसका आंसर होगा चंपा पावा सम्मेत शिखर या उज्जैंत्र। इसका आंसर होगा हमारा सम्मेत शिखर, ठीक है। सम्मेत शिखर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे टोटल, इसमें से 20 तीर्थंकर जो थे उन्होंने यहीं पे मोक्ष प्राप्ति की थी। जैन धर्म में था ना मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर त्याग करना था, तो 24 में से 20 लोग 20 तीर्थंकर जो हुए वो सम्मेत शिखर पर जाके ही उन्होंने मतलब मोक्ष प्राप्ति की थी, ठीक है। तो इसलिए सम्मेत शिखर फेमस है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ये मैंने बताया 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी इस बौद्ध संगति की? तो इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध जब जीवित थे तभी कौन था उनका कौन सा ऐसा शिष्य था जो कि संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो वो देवदत्त था, ठीक है। देवदत्त ने बुद्ध से ही शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन बुद्ध के जीवन काल में ही वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? हेलियोडोरस का वेशनगर जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो ये हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है ये केवल वासुदेव से संबंधित है। वासुदेव के सम्मान में ही इसकी स्थापना की गई थी, हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख की, ठीक है। तो ये वासुदेव से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना यानी कि निम्न छोटा माना। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो ये सारे ही कथन सही है। बौद्ध धर्म जो है वो वर्ण और जाति को इन्होंने अस्वीकार किया, और ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी इन लोगों ने, ठीक है। और शूद्र क्या बोलते हैं, कुछ एक शिल्पों को हीन माना इन लोगों ने, कुछ एक शिल्पों को इन्होंने हीन माना। तो ये तीनों ही जो कथन है हमारा सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो कृष्ण की पूजा जो सबसे पहले आरंभ की थी ये किसके द्वारा की गई थी? ये सातवतों के द्वारा आरंभ की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से मिलाना है। तो पहला जो बौद्ध संगति, देखिए बौद्ध संगति कितने हुए थे? टोटल चार बौद्ध संगति हुए थे। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये हमने बार बार पढ़ा, राजगिरी में हुआ था। तो पहला राजगिरी होगा। टू देखिए कहाँ पर है, टू पहले सी और डी ऑप्शन में है। उसके बाद जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ओके। तो टू, उसके बाद वन, ये भी दोनों में है। और तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, ओके। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा कुंडलवर कश्मीर में हुआ था जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो आंसर देखिए इसका डी हो जाएगा। अगर आप लोग को सारे याद होंगे तो आराम से बना लोगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के टाइम पर बौद्ध संघ के लिए किसको नामित किया था? तो ये उन्होंने जो है किसी को भी नामित नहीं किया था। कोई भी आंसर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ने किसको नामित किया तो किसी ने किसी को तो किया ही होगा, आंसर नहीं पता है, कुछ भी बीसीडी मार दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था, ठीक है। यही होता है, क्वेश्चंस पढ़ोगे तभी याद होगा। नेक्स्ट है, स्यादवाद सिद्धांत है लुकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? स्यादवाद जो है ये जैन धर्म का सिद्धांत है। स्यादवाद मतलब कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईसा पूर्व।
बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था, जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत में कहाँ है? ये क्वेश्चन भी हमने देखा था कि सांची का स्तूप जो है ये किस लिए फेमस है, उस वाले में पढ़ा था ना। तो भारत का जो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में, और ये सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? कृष्ण का वर्णन जो है ये किस ग्रंथ में सबसे पहले किया गया है? तो ये किया गया है छांदोन्य उपनिषद में। ठीक है, छांदोन्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन किया गया है सबसे पहले। नेक्स्ट है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक बने थे वो कौन थे? तो वो भद्र, सॉरी स्थूल भद्र थे। ठीक है, स्थूल भद्र थे और भद्रबाहु जो थे ये दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूल भद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? तो सबसे जो प्राचीन विहार है ये कौन सा है? तो नालंदा महाविहार सबसे पुराना विहार है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पहला जो जैन महासभा आयोजित हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल भद्र ने की थी, वही स्थूल भद्र जो श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक बना, उसी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके, नेक्स्ट है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पहले जैन महासभा का आयोजन तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, दूसरे का कहाँ पे हुआ था? दूसरा जो है वो बल्लवी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और किस लिपि में किया गया है ये बताना है। तो ये भाषा जो थी वो प्राकृत थी और लिपि अर्धमग्धी थी। ठीक है, भाषा प्राकृत थी और लिपि अर्धमग्धी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, विलीन और प्रसेनजीत में जो है वो कौन है जो समकालीन नहीं था इन तीनों के? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों ही एक दूसरे के समकालीन हैं, मिलिंद जो है इनका समकालीन नहीं था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है वो बताना है। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी जो है वो नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत कथन है। महावीर की जो माता थी त्रिशला, त्रिशला थी ना महावीर की माता, वो लिच्छवी के नरेश थे चेटक, उसकी पुत्री नहीं बल्कि बहन थी। ठीक है, बहन थी वो, चेटक की बहन थी त्रिशला, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, गौतम बुद्ध की माता कौलीय राजवंश की राजकुमारी थी, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ वो बनारस के थे, ये भी कथन सही है। तो हमारा पहला कथन गलत है और दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 2 और 3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो? तो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में जो है पर्वन नाम से समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि ऑप्शन देखते हैं, संघ परिणाय और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त का अवसर होता था। ऑप्शन सी, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। या ऑप्शन डी है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका आंसर हमारा होगा कि प्राचीन भारत के जो बौद्ध मठों में पर्वन नाम से समारोह आयोजित किया जाता था वो क्यों किया, वो किस लिए होता था? तो वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर के लिए किया जाता था पर्वन नाम का समारोह। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगतियाँ आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण। ठीक है, कथन कारण वाला आ गया। कथन क्या है? जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीट एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो देखिए, जैन धर्म में अहिंसा जो है अहिंसा पर रोक लगाया गया था, इसलिए अहिंसा पर बल की वजह से जो कृषक थे, जो कृषक हैं, किसान हैं, उन लोगों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। ठीक है, जैन धर्म अपनाने से रुके वो। क्यों? कारण दिया है कि क्योंकि कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए होगा। ए और आर सही, दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कृषि में आपको पता है कि कीटों को मारने के लिए छिड़काव वगैरह होता है, कीटों की हत्या की जाती है, तो इसलिए जो कृषक लोग थे वो जैन धर्म को मतलब अपनाने से नहीं अपनाया, उन्होंने कम अपनाए, बहुत सारे कम लोगों ने अपनाया, मतलब अपनाने से रोका जैन धर्म में कृषकों को। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है ये किसका अंग है? दिव्यवंश के विषय वस्तु का, दिव्य वदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सुत के विषय वस्तु का, या धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का। तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो किसका अंग है? ये धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का अंग है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हू, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हू जो है, ये मिलिंद के प्रश्न है इसमें, मिलिंद पन्हू में, ये राजा मिलिंद और कौन सा बौद्ध भिक्षु है उसके मध्य के संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हू जो है ये हमारा नागसेन के द्वारा ये लिखा गया है, मिलिंद पन्हू, जिसमें नागसेन और राजा मिलिंद और नागसेन के संवाद का रूप है ये। ठीक है, नागसेन और राजा मिलिंद के संवाद का ये रूप है मिलिंद पन्हू, ये नागसेन नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्तव अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्तव अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? बोधिस्तव अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पद्म पानी के नाम से। ठीक है, पद्म पानी के नाम से इसको जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही किस चीज़ में विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ये दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान, इसमें जो अंतर था वो क्या था? तो ये अंतर था देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा, बौद्ध धर्म जो था वो देवी देवताओं की पूजा को अस्वीकार करता था, लेकिन आगे जाके जब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ तो वहाँ पे यही वजह था कि विभाजित होना पड़ा, क्योंकि हीनयान और महायान में जो हीनयान थे वो लोग बुद्ध को पुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे, उनकी पूजा नहीं करते थे, और महायान जो था वो मतलब गौतम बुद्ध को देवता मानता था और उनकी पूजा करता था, इसलिए ये दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, महायान और हीनयान। हीनयान वो थे जो बुद्ध को पुरुष मानते थे, इंसान मानते थे, जबकि महायान उसको देवता मानता था। तो ये इसमें जो अंतर था यही था कि वो देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था, ये कब हुआ था विभाजित? तो ये विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगति इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे ये अध्यक्ष है, लिखना चाहिए था अध्यक्ष, ये सब अध्यक्ष हैं। तो पहले बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी ये की थी महाकश्यप ने की थी। दूसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता सभा कामी ने की थी। और तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस तिसने की थी। और चौथे बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो 1 का A, B का 2, C का 3 और D का 4, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनमें से कौन सा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? तो ये तीनों ही धर्म जो हैं वो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध संगतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगति जो चार बौद्ध संगति हुए थे वो किस किस के शासन काल में हुआ था वो क्रम से बताना है। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के काल में हुआ था। दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क चौथा तो लास्ट वाला सबको पता है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था कश्मीर में। तीसरा अशोक, पहला अजात शत्रु। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है? जातक, सुत्त, विनय, अभिधम। सुत्त, विनय, अभिधम जो है ये त्रिपिटक है, जातक त्रिपिटक नहीं है, ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग वेद में दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, वो कौन है, कौन से तीर्थंकर हैं? तो ऋषभदेव और अरिष्टनोमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें थे। ठीक है, इन दोनों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट, सूचीबद्ध सूची टू को सुमेलित करना है। महावीर के नाम और उसका अर्थ, तो केवलीन, केवलीन मैंने बताया था कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर को केवलीन के नाम से जाना जाता था, तो इसका क्या मतलब होता है, केवलीन का क्या अर्थ है? पूर्ण ज्ञानी, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है ना, तो केवलीन पूर्ण ज्ञानी। जिन, जिन क्या है, इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का मतलब है अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। तो ए का ए, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? महावीर के द्वारा जो जैन संघ की स्थापना की गई थी ये कहाँ पे की गई थी? पावा में की गई थी। ठीक है, पावा। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर की मृत्यु हो जाने के बाद जो अध्यक्ष बना था जैन संघ का वो कौन बना था? तो ये सुधर्मन बना था। ओके नेक्स्ट है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द जो है ये किस धर्म से जुड़ा है? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में पाँच अनुव्रत हैं, कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। कल्प सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं भद्रवाहु। नेक्स्ट है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है इसके रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व एक ये जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसको किसने लिखा है? परिशिष्ट पर्व को किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमने पढ़ा है कि अंगूत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलता है, और जैन ग्रंथ कौन सा है जिससे मिलता है? तो भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से और अंगूत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो मैंने बताया कि पांच अनुव्रत है जैन धर्म के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इस पहले चार थे, इसमें जो पांचवा है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था, तो वो पांचवा कौन सा महाव्रत है? तो वो है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी के द्वारा शामिल किया गया, इसमें जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट है इसका चौमुख मंदिर, या सरवन बिलगोला जो कि कर्नाटक में इसका गोमतेश्वर, या बाहुबली की प्रतिमा। तो जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये चारों ही जो हैं ये जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। हमारा आंसर ए होगा, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को जो अंतिम राजकीय संरक्षण दिया गया था अंतिम, वो किस वंश के शासकों के द्वारा दिया गया था? तो वो गुजरात के चालुक्यों के द्वारा अंतिम राजकीय संरक्षण दिया गया था जैन धर्म को। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना है। सुदोधन जो थे वो कौन थे? सुदोधन कौन थे? ये गौतम बुद्ध के पिता थे। महामाया कौन थी? ये गौतम बुद्ध की माता थी। और महाप्रजापति गौतमी, मैंने बताया था गौतम बुद्ध की मासी थी, जिन्होंने सबसे पहले, जो पहली महिला थी जिसने
बौद्ध धर्म को अपनाया था, और यशोधरा उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सूची वन सूची टू को सुमेलित करना है। चन्ना, चन्ना क्या है, चन्ना क्या था? तो चन्ना जो था वो बुद्ध का सारथी था। कंठक, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलाड़ कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु थे। हमने ये पढ़ा है ना कि गौतम बुद्ध गिरी क्या करने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे? तो अलाड़ कलाम के पास गए थे, तो ये बुद्ध के गुरु थे, प्रथम गुरु। निरंजना क्या है? वो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, निरंजना नदी के किनारे ही की थी ना। ठीक है, तो मिल गया ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, गलत बताना है, जो कि सुमेलित नहीं है वो बताना है। आनंद व उपाली, आनंद और उपाली कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही है ये। आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कौन थी? कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। ठीक है, सुजाता जो है उन्होंने बुद्ध को भोजन कराया था। चुंद, पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। चुंद जो है वो पावा का एक सुनार था जिसके द्वारा कहा जाता था कि उसने भोजन दिया था, उसके बाद ही बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये कथन गलत है। राहुल बुद्ध का भाई नहीं था, बुद्ध का गौतम बुद्ध का बेटा था जिनका नाम राहुल था। तो बाकी हमारे सारे ही कथन सही हैं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसा मतलब सिर्फ ये नहीं याद रखना कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ये क्योंकि ये गलत है। इन सब पे भी फोकस करना है। आनंद और उपाली बुद्ध की शिष्या थी, और ये देखिए चुंद जो था वो कौन था? पावा का सुनार था जिसके द्वारा माता बुद्ध को भोजन दिया गया था और उसकी वजह से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने भोजन कराया था, उसके बाद ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और सुजाता जो थी वो क्या था? कठिन तपश्चर्या के उपरांत भी बुद्ध को भोजन कराने वाली थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स भी हमें याद रखने चाहिए, तो ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राहुल, राहुल जो था वो गौतम बुद्ध का बेटा था। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? गौतम बुद्ध जो है वो किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट है सूची, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, सिद्धांत बुद्ध के बचपन का नाम है, बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम पड़ा था, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सारे ही सुमेलित हैं। गौतम जो है ये बुद्ध का गोत्र नाम है, ठीक है, और सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, और बुद्ध जो है इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा था। ठीक है, तो गलत कथन कोई भी नहीं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। ये घटनाएं हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाएं हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है। तो हमने ये सब पढ़ा, इसमें से कुछ कुछ पढ़ा भी है क्वेश्चंस में। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण जो है ये गृह त्याग करने की घटना है, जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। संबोधि, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनकी थी। धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है। और महापरिनिर्वाण भी हमने पढ़ा है, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो गौतम बुद्ध एक बार भ्रमण के लिए निकले थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ दृश्य देखा था, चार दृश्य देखे थे उन्होंने, जिसकी वजह से क्या मतलब उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। तो वो कौन कौन सा दृश्य था? तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था जो बहुत लाचार था, और तो वो उसको देखकर दुखी हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक रोगी को देखा, उसको देखकर भी वो दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने एक लाश को देखा, एक लाश को लेकर लोग जा रहे थे, सब दुखी थे, उसको भी देखकर दुखी हुए। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा था जो कि बहुत प्रश्न मुद्रा में अपना चल रहा था। तो गौतम बुद्ध ने जो है ये चार दृश्य देखे, और फिर उनको समझ आया कि सन्यासी जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब खुश है ना, तो यहीं से उनका जो है मन, इसी चार दृश्यों को देखकर उनका जो मन है वो वैराग्य भावना में परिवर्तित हुआ, और वो उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया था। ठीक है, तो वो जो चार दृश्य थे वो यही थे, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो मेंस में भी काम आता है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो देखिए हमने ये तो पढ़ा है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे इन्होंने दिया था गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया गया था वो श्रावस्ती में दिया गया था, ठीक है? श्रावस्ती क्या थी? कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण कहा जाता है इसको, इसका रचना किसने किया था बुद्ध चरित्र का? बुद्ध चरित्र ये किसके द्वारा लिखा गया, रचना किया गया? तो ये अश्वघोष के द्वारा रचित है बुद्ध चरित्र, ठीक है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट है, महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविवाह शास्त्र जो है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भी ये वसुमित्र है इसके रचयिता, ठीक है? नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बौद्ध कौन सी वो बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो है धम्मपद, ठीक है? धम्मपद जो है वो उसको बहुत ये पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में भावी बोधिस्त्व या भविष्य के बोधिस्त्व किसे माना गया है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिस्त्व या फिर भविष्य के बोधिस्त्व किसको माना गया है? तो ये मैत्रेय को माना गया है, मैत्रेय को भविष्य के बोधिस्त्व माना गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ? तो ये कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था, चौथी बौद्ध संगति के टाइम, हीनयान और महायान में, ठीक है? नेक्स्ट, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार या विज्ञानवाद इसके प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैत्रेयनाथ ने इसका प्रतिपादन किया था, मैत्रेयनाथ ने, योगाचार्य विज्ञानवाद, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना है। वज्रपाणि, वज्रपाणि क्या है? वज्रपाणि ये है इंद्र के देवता के तुल्य। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। मंजूश्री क्या है? बुद्धि को प्रखर करने वाला। और अमिताभ स्वर्ग के देवता हैं, ठीक है? वज्रपाणि क्या? इंद्र देवता के तुल्य हैं। और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर और मंजूश्री बुद्धि को परखड़ करने वाला और अमिताभ स्वर्ग के देवता। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। तो भारत के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में जो है, दक्षिण में ये कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था, हीनयान या महायान? तो दक्षिण में हीनयान प्रचलित हुआ, ठीक है? हीनयान जो है वो दक्षिण में प्रचलित हुआ था, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड वगैरह जगह पे हीनयान प्रचलित हुआ दक्षिण में। अब नेक्स्ट देखिए कि उत्तर में कौन सा बौद्ध धर्म संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण में तो हीनयान हुआ, तो फिर उत्तर में कौन होगा? महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार किसको माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य जो बौद्ध गौतम बुद्ध ने दिए थे वो क्या? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध निवारण, ठीक है? चार आर्य सत्य हैं जो बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं, वो है कि जीवन में दुख है, ठीक है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध निवारक भी है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जैन धर्म में तो हमने वो स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही देखा था, जैन त्रिरत्न जो जैन धर्म से संबंधित था, और मैंने वहीं पे बताया था आपको कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, वहाँ पर मैंने बताया ही था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को जो अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था वो गुजरात के चालुक्य ने दिया था, गुजरात के चालुक्य ने जैन धर्म को दिया था अंतिम संरक्षण। और बौद्ध धर्म को किसने दिया था? बंगाल के पाल ने। ओके नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक, ठीक है, नालंदा जो बौद्ध शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा, जो गुप्त वंश के थे। उदंतपुरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा, जो पाल वंश के हैं। और विक्रमशिला धर्मपाल, पाल वंश। और बल्लवी की स्थापना भट्टारक, जो कि मैत्रेय वंश से थे, ठीक है? इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अनेकातवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हमने पढ़ा था स्यादवाद, इसका मतलब होता है अनेकांतवाद, ये किसका सिद्धांत है? जैन मत का है ये।
नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो महामस्तकाभिषेक जो है ये किससे संबंधित घटना है, ये है बाहुबली, बाहुबली से संबंधित घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। तो महावीर के विषय में कौन सा कथन सही है वो बताना है। वे पहले तीर्थंकर थे? बिल्कुल नहीं, महावीर पहले तीर्थंकर नहीं थे, पहले ऋषभदेव थे। वे 23वें तीर्थंकर थे? ये भी कथन गलत है। वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है लेकिन वर्तमान संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। डी क्या है, वे 24 तीर्थंकर नहीं थे, गलत। तो सारे कथन गलत है, हमने देखा ऑप्शन सी सही है कि महावीर जो है वो 24 अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे लेकिन वर्तमान संप्रदाय के सुधारक जरूर थे। नेक्स्ट है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। तो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में जो बौद्ध साहित्य है वो कौन सा साहित्य है, तो वो है जातक। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार बताना है कि सृष्टि की जो रचना और पालन पोषण हुई है ये किससे हुई है, ये हुई है सार्वभौमिक सत्य से, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सार्वभौमिक विधान, सार्वभौमिक आस्था, सार्वभौमिक आत्मा। तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य से सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी और ये निरंजना नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। अलाड़ कलाम, हमने कितनी बार ये पढ़ लिया गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान थे, ठीक है। तो दोनों में जो कथन समान है वो बताना है। तो तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समान रूप से विद्यमान था वो ये था, वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ऑप्शन ए सही नहीं है, बाकी 2 और 3 सही है। तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है। तो गौतम बुद्ध की कभी कभी प्रतिमा दिखाई गई है जो हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है इसको, ये किसका प्रतीक है बताना है। तो ये किसका प्रतीक है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विधम डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। तो ये इसका आंसर हमारा जो है डी, ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों ए और बी दोनों कथन सही है, सी कथन सही नहीं है, बाकी ए और बी कथन सही है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ये किसका प्रतीक है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विध्वन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान, और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। तो ऑप्शन ए और बी सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा राइट डी। चलिए नेक्स्ट, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्रा में कौन सी एक समानता है। स्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं। ये स्थान महासंघियों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। ये वे स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा सारा क्वेश्चन तो आपको पता है कि जैन बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी वो पहली राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में और चौथी कश्मीर में हुई थी। तो ये तीनों क्या है, बौद्ध संगतियाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो कुशीनगर में बसाई थी। कुशीनगर में ही इन्होंने, इनकी मृत्यु हुई थी ना, महापरिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, अशोकाराम विहार किस स्थान में है। अशोकाराम जो विहार है ये कहाँ पर है, पाटलिपुत्रा में है। नेक्स्ट है, स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की जो प्रधान थी वो कौन थी, तो भिक्षुनी संघ की प्रधान थी चंदना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? नायनार कौन थे? नायनार वे अग्रणी थे जो शिव के भक्त थे, ठीक है, जो शिव के भक्त थे उसको नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, ठीक है। सो गाइज, हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के। सो काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया, मैं गला भी सूख गया है अब थोड़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में दूसरी बार जब वीडियो देखेंगे तो ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस खुद से बनाए हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।